थॉमस चर्च और पानीबाई स्कूल के जीर्णोद्धार का शिलान्यास। 1598 में बने सेंट थॉमस चर्च और 1927 में बने पानीबाई स्कूल का पुरानी निर्माण पद्धतियों से जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसकी लागत है 1,000,000,000। जेल के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले इस पानी कोठा किले का पर्यटन केंद्र के रूप में 2,97,00,000 रुपए के निवेश से विकास होगा। जेठीबाई बस टर्मिनल के पुनरुद्धार एवं विकास का शिलान्यास। दीऊ के महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र को 8,42,00,000 रुपए की लागत से विकसित व नव निर्मित किया जाएगा। अभिनव अर्बन डिजाइन से बनने वाले घोगला और तड़ एंट्री गेट्स का शिलान्यास। 2,21,00,000 रुपए की लागत से दीव आगमन पर आगंतुकों का स्वागत करने हेतु बनाए जा रहे ये भव्य प्रवेश द्वार दीव की गरिमा और की लोकप्रिय वैश्विक पहचान बन जाएगी। इस परियोजना के बाद दीव के पर्यटन को एक नया आयाम हासिल होगा। आज हम सभी संघ प्रदेशवासी माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का इन महत्वपूर्ण कार्यों का शिलान्यास करने हेतु कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।